बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि बीजेपी के अंदर सब लोग आ रहे हैं, अब कांग्रेस ने तो बल्कि वॉशिंग मशीन अपने कांग्रेस कार्यालय में रख दी, कहा बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, कोई भ्रष्टाचारी भी जाता है तो वो सफेदपोश होकर बाहर आ जाता है। नहीं नहीं बीजेपी की अपनी रीति नीति पद्धति है, और हमने तो उत्तराखंड में, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब 14,000 से ज्यादा विभिन्न विभिन्न दलों के लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। 14,000 बहुत बड़ी संख्या बहुत होती है हमारे राज्य के लिए। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि अब आप जो भी शामिल करें या जो भी इस प्रकार की सदस्यता के कार्यक्रम करें तो उसका एक क्राइटेरिया जरूर बना लें। तो उन्होंने मेरे अनुरोध को आगे बढ़ाया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए आपने देखा होगा अभी फिलहाल जो है इन चीजों पर थोड़ा सा देश देखिए लगातार देश में तो लोग जुड़ ही रहे हैं। लेकिन एक आपके पुराने साथी है हरक सिंह रावत, ईडी आजकल उनको बड़ा परेशान कर रही है। देखिए उनका जो भी प्रकरण आया है वो माननीय न्यायालय ने उस पर एजेंसियों को कहा होगा या माननीय न्यायालय के आधार पर हो रहा है, उसमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ। लेकिन आपकी पार्टी पर आरोप है कि क्योंकि वो बीजेपी छोड़ के गए इसीलिए उनको खामियाजा। नहीं नहीं, वो लोग माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय ने इस पर आदेश किया था और जो सीबीआई जांच के आदेश हैं वो भी उच्च न्यायालय से हुए हैं, सरकार के स्तर पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है? निश्चित रूप से, देखिए जब मोदी जी कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना है, तुष्टिकरण समाप्त करना है, परिवारवाद समाप्त करना है, तो ये विपक्षी दल गठबंधन बना रहे हैं, देश की जनता देख रही है। लेकिन क्या आप थोड़ा शॉक थे जब अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ, क्योंकि पूरी आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जेल में चली गई, हालांकि संजय सिंह बहुत दिनों से, देखिए बहुत दिनों से चल रहा था और बार बार उनको ईडी सम्मन भेज रही थी, ईडी उनसे पूछना चाहती थी, वो नहीं आ रहे थे और उनके मंत्री पहले ही सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो पहले से जेल में थे। तो मैं क्या एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भाई ये जांच चल रही है, जांच में सहयोग करना चाहिए, अगर कोई तथ्य है तो तथ्य देना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे बतौर मुख्यमंत्री पूछता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड एक प्रदेश है और आप ये पूर्ण स्टेट है और आप इसके मुख्यमंत्री है। दिल्ली एक आधी स्टेट है, उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, लेकिन वो कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, क्या जेल से कोई सरकार चलाना संभव है धामी जी? देखिए बहुत नहीं, देखिए ये आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, कैबिनेट की मीटिंगें होती हैं, मौखिक आदेश होते हैं जी। बहुत बार चूंकि इस प्रकार की चीजें होती हैं, पद एवं गोपनीयता की जो शपथ होती है, हर चीज लिखित में नहीं हो सकती है। तो बाकी तो चूंकि उनका मामला अब न्यायालय में है, न्यायालय भी उसको देख रहा है। और एक आपको लगता है कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? जी ये व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि लालू जी ने भी इस्तीफा दिया था, जय जयललिता ने भी इस्तीफा दिया था, आप कह रहे हैं ये व्यवहारिक नहीं है, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है।